गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय दूसरा, और अध्याय दूसरे का आज हम आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, और वो टॉपिक है वैन डी ग्राफ जनित्र। ठीक, वैन डी ग्राफ जनित्र, जनित्र यानी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जनरेटर, राइट। तो वैन डी ग्राफ जनित्र, ये ऐसा नाम क्यों पड़ा? तो दरअसल ये जनित्र के जो आविष्कारक हैं उनका नाम है वैन डी ग्राफ। ठीक, तो अगर हम बात करें इनके आविष्कारक की, जिन्होंने ये जनित्र बनाया था, तो उनका नाम है डियर स्टूडेंट्स रॉबर्ट रॉबर्ट जेमिसन वैन डी ग्राफ। तो चूंकि ये जनित्र इन्होंने आविष्कार किया था, बनाया था, तो इसी इन्हीं के नाम पे इस पूरे जनित्र का नाम पड़ गया, वैन डी ग्राफ जनित्र। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वैन डी ग्राफ जनित्र है, ये डेरिवेशन वाला पार्ट नहीं है। इसमें हम जैसे अभी तक डेरिवेशन करते आ रहे थे, निगमन कर रहे थे, ठीक, तो इसमें कोई हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, राइट। तो ये एग्जाम में कैसे आता है? एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वैन डी ग्राफ जनित्र का आप सिद्धांत बताइए और उसकी कार्यविधि बताइए, या फिर ऐसा बोल सकता है कि उसकी संरचना को बताइए। तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब न जाके आप लिखेंगे इसके बारे में। ठीक, तो ये वैन डी ग्राफ जनित्र है क्या, हम इसका उपयोग किस लिए करते हैं? तो वैन डी ग्राफ जनित्र जो है, ये हमें उच्च विभव देने में मदद करता है। ठीक, कोई हम गोलीय चालक लेते हैं, खोखले गोले का चालक लेते हैं, और उस चालक में हम चाहते हैं कि काफी मात्रा में उच्च विभव हमें प्राप्त हो। तो ये जो जनित्र है, इसकी मदद से हम किसी भी गोलीय चालक में उच्च मात्रा में विभव को उत्पन्न कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, तो इसका प्रयोग हो गया। ठीक, और इसके बारे में अब दो सिद्धांत हैं जो हमें लिखने हैं। ठीक, तो चलिए अब इसको पहले हम लिख लेते हैं, इसके बाद आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इसको एक लाइन में, एक दो लाइन में इसको डिफाइन करेंगे कि इसका हम उपयोग किस लिए करते हैं। तो उपयोग किस लिए करते हैं? वैन डी ग्राफ जनित्र का उपयोग का प्रयोग धनावेशित कणों को अति उच्च विभव तक त्वरित करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो जो भी इसमें हम जो अभी हम बात कर रहे थे गोलीय चालक की, उसमें कौन से आवेश भेजेंगे? धनावेशित आवेश को भेजेंगे। और जैसे जैसे हम धनावेशित आवेश को भेजते जाएंगे, तो वहां पे आवेश इकट्ठा होंगे, और आवेश इकट्ठा होंगे तो हमें एक उच्च विभव की प्राप्ति होगी, हमें उच्च विभव मिलेगा, और यही हम उसमें करना चाहते हैं। ठीक, अब ये जो पूरा वैन डी ग्राफ जनित्र है, ये दो सिद्धांत पे वर्क करता है, दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो पहला सिद्धांत ये है डियर स्टूडेंट्स, कि किसी खोखले चालक को दिया गया आवेश केवल उसकी बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से विद्यमान रहते हैं। मान लीजिए कि ये आपका खोखला गोला है, या खोखला गोलीय चालक है। ठीक, तो ये जो गोलीय चालक है डियर स्टूडेंट्स, इस पे जो भी आवेश आप देंगे, तो वो आवेश कहाँ पे जाके इकट्ठा होंगे? वो आवेश इसके सतह के बाहरी हिस्से पे, यहाँ पे जाके इकट्ठे होंगे, और इनका जो वितरण होगा डियर स्टूडेंट्स, वो कैसा होगा? एक समान होगा। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे आपने प्लस क्यू आवेश दिया, तो जो भी ये खोखला हमारा गोला है, इसके बाहरी पृष्ठ पर, यहाँ पे इस सतह पे जाके ये सारे आवेश एक समान रूप से वितरित होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे, राइट। ये हमारा पहला सिद्धांत कहता है। और इसका दूसरा सिद्धांत ये कहता है डियर स्टूडेंट्स, कि किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत क्षरण उसके नुकीले सिरे के कारण होता है। वैद्युत क्षरण मतलब कोई आवेशित चालक है, ठीक, कोई आवेशित चालक है, और क्षरण मतलब जो उसका चार्ज है, आवेश है, वो वायु में चला जा रहा है, मतलब लॉस हो रहा है, कमी आ रही है। ठीक, तो वायु में क्यों चला जा रहा है? तो क्यों चला जा रहा है? उसके नुकीले सिरों के कारण। ठीक, नुकीले सिरों के कारण, मान लीजिए कोई पतले पतले नुकीले सिरे हैं, ये कोई हमारा मान लीजिए चालक है। ठीक, तो हमने पढ़ा था कि पृष्ठ आवेश घनत्व पढ़ा था, एक पृष्ठ आवेश घनत्व में क्या पढ़ा था? Q अपॉन A।
ये क्या है, इसका क्षेत्रफल है। ठीक, तो अगर इनके सिरों का जो क्षेत्रफल होगा डियर स्टूडेंट्स वो कम होगा, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, वैद्युत क्षरण होता है वायु में। उनके जो नुकीले सिरे होंगे उनका जो ये यहाँ पे ए होगा जिसको हम क्षेत्रफल बोलेंगे, ये काफी कम होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे काफी उच्च विभव हो जाता है, काफी ज्यादा आवेश वहां पे जाके इकट्ठे होंगे, उच्च विभव हो जाएगा, और उच्च विभव इतना बढ़ जाता है कि जो जब वो वायु के संपर्क में आता है, हवा के संपर्क में आता है, तो उसके जो आवेश हैं, जो चार्ज हैं डियर स्टूडेंट्स, वो वायु में डिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं, वितरण होने लगते हैं। ठीक, तो हम उसको साइंस के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षरण कहते हैं। ठीक, तो ये है दूसरा सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत आपको एकदम रटे होने चाहिए अगर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। तो अब इसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये दिखता कैसा है। ठीक, अभी हम इसकी पढ़ेंगे क्या, संरचना पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो ये कैसा दिखता है, ये कुछ इस टाइप से दिखता है डियर स्टूडेंट, ये इस टाइप से गोला रहता है ऊपर, और ये कुछ ऐसे ऐसे करके, ये कुछ इस टाइप से इसका सेटअप रहता है, और यहाँ पे स्तंभ बनी होती है ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे जाके हम आवेश को इकट्ठा करते हैं। ठीक, अब इसमें एक मजेदार बात ये है डियर स्टूडेंट्स, मजेदार बात ये है कि जब आप इसके सतह को छुएंगे यहाँ पे ना, तो इतना यहाँ पे इतना ज्यादा उच्च विभव रहता है कि जब आप यहाँ पे इसको टच करेंगे तो इसके आवेश पूरे आपके बॉडी में स्थानांतरित हो जाएंगे। ठीक, पूरे आपके बॉडी में, शरीर में चले जाएंगे, और शरीर में जाएंगे तो एक चीज क्या होगा कि जैसे कि आप ये हैं, तो अगर आप यहाँ हैं तो आप इसको अगर टच कर रहे हैं हाथों से, तो ये पूरे आपके बॉडी में चला गया, इसका आवेश जाने लगा। ठीक, अब हमने पढ़ा है कि सिमिलर आवेश, जो एक समान आवेश होते हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, विकर्षण करते हैं, विकर्षण करते हैं। ठीक, तो अगर मैं आपके बालों की बात करूं तो आपके बाल बालों में क्या होगा, विकर्षण होगा। ठीक, क्योंकि समान आवेश होंगे, तो समान आवेश होंगे तो जैसे ही आप इसको छुएंगे तो आपके बाल पूरे ऐसे खड़े हो जाएंगे। ठीक, ये मजेदार बात है इसमें। बाल क्यों खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे सिमिलर आवेश है, एक समान आवेश है, और एक समान आवेश एक दूसरे को विकर्षण करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक, तो इस टाइप से आपके बाल खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम हीरोइने टाइप के। ठीक, हो सकता है हीरो टाइप के ना लगे, भूतो टाइप के भी लग सकते हैं, तो आपकी मर्जी, आप क्या माने। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी बात करेंगे वैन डी ग्राफ जनित्र की संरचना के बारे में, कि इसकी संरचना कैसी होती है, इसको हम बनाते कैसे हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम इसकी संरचना को बना लेते हैं। संरचना बना के इसके बारे में हम दो चार लाइन लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए संरचना बनाते हैं, कैसा होता है, कैसे बनाएंगे इसको। देखिए, संरचना में आप जो भी चीजें बनाएंगे, जैसे जैसे बनाएंगे वही चीज बस लिखनी होती है, और कुछ नहीं। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें क्या लेते हैं, खोखले गोले लेते हैं, और वो खोखला गोला कैसा होता है, धातु का होता है, जो कि एक चालक होता है, राइट। तो हम क्या किए, एक खोखला गोला ले लिए, यहीं पे बना देते हैं ऐसे, एक खोखला हम गोला ले लिए, ये क्या है हमारा, खोखला गोला है, जो क्या है, एक धातु का है और चालक है। ठीक, अब इसके बाद क्या है, ये जो गोले हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जाके एक अचालक स्तंभ पर खड़ा है। ठीक, किस पे, अचालक स्तंभ पर, जिसमें अचालक यानी जिसमें जो क्या करे, आवेश को स्थानांतरित ना कर सके, अपने अंदर से ले जाए ना, मतलब ये अचालक है, कुचालक है। ठीक, इसके अंदर से आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये क्या होगा, ये जाके इससे ऐसे, ठीक, डायग्राम आप बुक से भी बना के देख सकते हैं, बुक में भी दिया हुआ है, ये ऐसा, ये वाला हमारा हिस्सा क्या है,
ये दो स्तंभ हैं जो कैसे हैं, अचालक हैं। और ये हमारा धातु का एक गोला है, खोखला गोला है, जो कि क्या है, चालक है। ये हो गया, इसको हमने नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी। राइट, कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए अगला स्टेप क्या है हमारा। अगला स्टेप ये है कि इसके अंदर ये जो है हमारा हिस्सा, इसके अंदर एक बेल्ट लगा रहता है, कन्वेयर बेल्ट लगा रहता है, ठीक, जिसको आप हिंदी में सिरेहिन डोरी कहेंगे। आपके बुक में लिखा है सिरेहिन डोरी, सिरेहिन डोरी नहीं लिख सकते तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कन्वेयर बेल्ट है। और ये जो सिरेहिन डोरी है, सिरेहिन का मतलब आप समझते हैं, सिरेहिन का मतलब होता है कि जिसका सिरा कभी अंत ना हो, इंड ना हो, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप साइकिल का चैन देखे हैं, देखे ही होंगे, तो जो साइकिल का चैन रहता है वो चैन कंटिन्यूअसली लगातार रहता है, उसमें डिवीजन नहीं होता, वो एक एक जगह से दूसरे जगह टूटता नहीं है, वो लगातार घूमता रहता है, घूमता रहता है। और ऐसे चीजों को हम बोलते हैं सिरेहीन, जिसके सिरे ना हो, वो लगातार कंटिन्यूअसली हो। राइट, तो ये क्या है, एक बेल्ट है जिसको हम कन्वेयर बेल्ट भी कह सकते हैं और हिंदी में सिरेहीन डोरी भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर एक सिरेहीन डोरी होती है जो कि दो घिरनियों से लगी होती है, घिरनी यानी पुली। तो हम क्या बनाएंगे अब यहाँ पे, ये मान लीजिए इसका सेंटर है डियर स्टूडेंट्स, ठीक, यहाँ पे हम एक लेंगे घिरनी, एक घिरनी यहाँ रहेगा, ठीक, और एक घिरनी आपका यहाँ रहेगा। राइट, इस घिरनी को हम नाम दे देते हैं P1 और इस घिरनी को हम नाम दे देते हैं P2, ठीक। ये दोनों क्या है, घिरनियां हैं, और जो कि इसके अंदर हैं, और इन घिरनियों से क्या लगा हुआ है, इन घिरनियों से लगा हुआ है सिरेहिन डोरी या फिर सिरेहिन बेल्ट, ठीक। और ये बेल्ट जो है ये लगातार गति कर रहा है, घूम रहा है। राइट, घूम रहा है तो इसको डायरेक्शन भी आप दिखा सकते हैं, ये ऐसा घूम रहा है, ठीक। एक एक घिरनी ये रहा, ये दूसरी घिरनी ये है, और ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, ये हमारा सिरेहिन डोरी है या फिर सिरेहिन बेल्ट है, जो लगातार गतिमान कर रहा है, गति में है। अगर ये गतिमान कर रहा है तो अपने से तो गति करेगा नहीं, हमें इसे गति कराने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये जो गति कराने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा P2 है, जो दूसरा वाला घिरनी है, ये मोटर से लगा रहता है, वैद्युत मोटर से ये जुड़ा होता है, और वैद्युत मोटर की मदद से हम इसको घुमाते हैं, ठीक, किसको, बेल्ट को। राइट, यहां तक समझ में आया? अब क्या हुआ, अब इसमें अब दो ब्रश होती हैं, दो चुंबकीय ब्रश होती हैं, जो कि एक ब्रश यहां पे लगा होता है इसके पास, ठीक। ये क्या है, नुकीला सिरा, जो अभी हम बात कर रहे थे दूसरे सिद्धांत के बारे में, नुकीला सिरा, ठीक। तो ये दरअसल क्या है, ब्रश है, मेटेलिक ब्रश है, धातु वाला ब्रश है, जो कि कैसा है, नुकीला है। आप देख सकते हैं ये इस कैसा है, तीक्ष्ण एकदम नुकीला है ना, ठीक, एकदम ये ब्रश है जो कि धातु है, और ये एक सिरा ब्रश का यहाँ जुड़ा रहता है गोले में, खोखले गोले में, और इसका दूसरा सिरा डियर स्टूडेंट्स ये यहाँ पे रहता है, और ये वाला जो दूसरा सिरा है इसका, किसका, इसका ब्रश का, दो ब्रश हैं, एक ब्रश तो खोखले गोले में रहेगा और दूसरा ब्रश इस बेल्ट को छूता रहता है, इस बेल्ट को टच करता रहता है, और ये वाला जो हमारा है, जो मेटेलिक ब्रश है डियर स्टूडेंट्स, ये कनेक्ट रहता है स्रोत से, स्रोत यानी ऐसा कह सकते हैं बैटरी से, ठीक, किससे, बैटरी से कनेक्ट रहता है, और बैटरी के किस टर्मिनल से, तो बैटरी के ये डियर स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहता है, ठीक, धन वाले टर्मिनल से, और ये क्या है हमारा निगेटिव, ठीक। अब एक चीज और यहाँ पे कि ये निगेटिव जो है, इस निगेटिव टर्मिनल को हम कहाँ जोड़ते हैं, तो इस निगेटिव टर्मिनल को डियर स्टूडेंट्स हम अर्थ में ग्राउंडेड कर देते हैं, ठीक,
अर्थ में ग्राउंडेड क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे विभव क्या हो जाए, जीरो हो जाए, शून्य हो जाए, ठीक। तो ये पूरी संरचना है। और इसका अगर आप नामकरण करना चाहें तो नामकरण भी कर सकते हैं। इसको, ये वाला जो ब्रश है इसको आप C1 कह दीजिए, और ये वाला जो ब्रश है इसको आप C2 कह दीजिए। अब होता क्या है? अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें होता ये है, ये बेल्ट लगातार घूम रहा है, घूम रहा है किसकी मदद से? मोटर लगाए हुए हैं यहाँ पे, और मोटर को कनेक्ट किए हैं पुली में, तो पुली लगातार बेल्ट को घुमा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे ये जो हमारा ब्रश है, ये जो ब्रश लगा हुआ है, जो कैसा है, काफी नुकीला है, और ये इसका एक टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है? बैटरी के धन आवेश से। तो जैसे ही यहाँ पे धन आवेश से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये सारे आवेश जाना स्टार्ट करेंगे, आवेश जाना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे विभव क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब चूंकि ये जो ब्रश है, ये इसमें, इसके कांटेक्ट में है, इसके संपर्क में आ रहा है किसके? इस बेल्ट के। तो जैसे ही इसके संपर्क में आता है, तो इस बेल्ट के ऊपर पूरे ये आवेश ऐसे वितरित होने लगते हैं, ऐसे, ठीक। ये प्लस प्लस आवेश कहाँ से मिला? प्लस आवेश यहां से मिला, यहां से गया यहाँ ब्रश में, और ब्रश क्योंकि उसके संपर्क में है, किसके संपर्क में? बेल्ट के संपर्क में, वायु में है, ठीक, टच नहीं है, वायु के संपर्क में है। लेकिन फिर भी हो क्या रहा है कि इसका विभव इतना ज्यादा बढ़ जा रहा है कि यहां से जो इसके पास वैद्युत आवेश है उसका क्षरण हो रहा है, और क्षरण होके इस पूरे बेल्ट पे जा रहा है, और बेल्ट के थ्रू ये चला जाता है इसके अंदर वाले सरफेस में, किसके? खोखले गोले के, खोखले गोले के अंदर वाले सरफेस में चला जाएगा, इधर इधर, और यहाँ पे भी एक बेल्ट लगा हुआ है अंदर वाले हिस्से में भी, लगा है ना, अरे बेल्ट बोल रहे हैं, यहाँ पे भी एक ब्रश लगा हुआ है। तो अब यहाँ जो आवेश गया, वो वाला आवेश अब इस ब्रश में आएगा, और ब्रश में आ जाने के कारण हमने पहला सिद्धांत पढ़ा था कि जो भी गोलीय चालक होगा उसके सतह पे जाके आवेश इकट्ठा होते हैं। तो ये वाले ब्रश के कारण यहाँ पे आवेश पूरा इस सतह पे जाके इकट्ठा हो जाएंगे, ये प्लस प्लस एक समान रूप से वितरण हो गए। तो ये हुआ डियर स्टूडेंट्स इस पूरे वेंडी ग्राफ जनित्र का संरचना। समझ में आया? नहीं आया तो एक बार मैं फिर समझा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हमने दो खोखले गोले लिए जो कैसे हैं, चालक हैं, धातु के हैं, और वो दो खोखले जो गोले हैं उनको हमने दो अचालक स्तंभ से जोड़ा, एक को हमने नाम दिया ए और दूसरे को नाम दिया बी, और इस स्तंभ के बीच में दो घिरनियां लगी हुई हैं, एक घिरनी का नाम दिया P1, दूसरी घिरनी का नाम दिया P2, और जो घिरनियां हैं, घिरनियों में जुड़ा, घिरनियों से जुड़ा हुआ है एक सिरेहीन, सिरेहीन डोरी, जिसको हम बोल सकते हैं सिरेहीन बेल्ट, और ये बेल्ट लगातार गतिमान है, घूम रहा है, किसकी मदद से? किसकी मदद से? मोटर की मदद से, जिसको हमने P2 के साथ लगाया है, ठीक। अब दो ब्रश हैं, जो दो धातु की ब्रश हैं, और वो दो धातु की जो ब्रश हैं, एक ब्रश बैटरी के या फिर स्रोत के धन टर्मिनल पे जुड़ा हुआ है, ठीक, धन आवेश के टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और दूसरा जो ब्रश है वो खोखले गोले के अंदर वाले हिस्से से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब होता क्या है, जो बैटरी का स्रोत है डियर स्टूडेंट्स, उसके पॉजिटिव टर्मिनल्स को हमने ब्रश से जोड़ा है, और नेगेटिव टर्मिनल को पृथ्वी से ग्राउंडेड किया गया है ताकि उसका विभव शून्य रहे, और यहां से जब धन आवेश यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, तो यहां पे जब ब्रश में पहुंचते हैं, तो ब्रश का विभव काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और बढ़ जाने के कारण जब वो वायु के संपर्क में आता है तो उसका वैद्युत क्षरण होता है, लॉस होता है, और जो भी आवेश लॉस हो रहा है वो इस पूरे बेल्ट पे चला जाता है, इस पूरे बेल्ट पे एक समान रूप से वितरित हो जाता है, और ये वितरित होके इस खोखले गोले के अंदर वाले हिस्से में चला गया। अंदर वाले हिस्से में भी एक ब्रश है जो उसको खींच सकता है अपनी तरफ, तो यहाँ जो अंदर वाले सरफेस में आवेश था वो फिर इस ब्रश में आ गया, और इस ब्रश के द्वारा फिर खोखले गोले के पूरे बाहरी सतह पे जाके आवेश वितरित हो गया, और वहां पे जाके हमने बहुत ज्यादा उच्च विभव उस धातु का बढ़ा लिया। तो ये था पूरा संरचना किसका? वेंडिग्राफ जनित्र का।
अब एक चीज आप बताइए, क्या मुझे इस संरचना को लिखना पड़ेगा? आप लिख नहीं पा लिख पाएंगे ना? देखिए, जितना आप सुने हैं बस इतना ही लिखना है आपको, और कुछ नहीं लिखना है। फिर भी मैं एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। सबसे पहले ये डायग्राम बना लीजिए आप। डायग्राम बनाने के बाद संरचना का हेडिंग डाल देंगे और उसके नीचे आप लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। ठीक, एक बार में नहीं लिख पाते हैं तो दो बार सुन लीजिएगा वीडियो को इधर बैक करके, राइट। तो पहले लाइन में आप लिखेंगे कि इसमें एक बड़ा गोलीय धातु, इसमें एक बड़ा बड़ा धातु का गोला होता है। ठीक, क्या होता है? धातु का गोला होता है जो दो अचालक स्तंभों से जुड़ा होता है। ठीक, और इसी गोले में उच्च विभव उत्पन्न किया जाता है। एक लाइन तो ये लिखेंगे आप। ठीक, इसके बाद लिखेंगे कि गोले के अंदर एक रबड़ की सिरेहीन डोरी या फिर बेल्ट होता है जो दो घिरनियों से लगी होती है। ठीक, और ये घिरनियां किसकी मदद से चल रही हैं? और ये घिरनियां मोटर की मदद से चलाई जाती हैं। इसके बाद तीसरी लाइन में लिखेंगे आप संरचना में कि दो नुकीले धातु के ब्रश होते हैं जिसमें एक ब्रश स्रोत के धन टर्मिनल से जुड़ा होता है तथा एक खोखले गोले से जुड़ा होता है। ये हुआ संरचना। इसके बाद एक हेडिंग आप नीचे और डालेंगे, और वो नीचे क्या डालेंगे? कार्य विधि का। ठीक, इसकी हेडिंग इतनी इतना चीज हो जाएगा, तो आप एक हेडिंग और डालेंगे, किसका? कार्य विधि का। इसमें आप दो तीन लाइनों में ये बताएंगे कि ये पूरा जनित्र कार्य कैसे करता है। तो कार्य कैसे करता है? कार्य में आप ये बताएंगे कि जब चालक C1 को अति उच्च विभव दिया जाता है, किसकी बात कर रहे हैं? ये वाला, ये धातु का जो ब्रश है, ये हमारा एक चालक है, और इसको जब स्रोत से काफी ज्यादा उच्च विभव दिया जाता है तो इसके आवेश डोरी पर चले जाते हैं, मतलब इस बेल्ट पर चले जाते हैं। ठीक, और गतिमान होने के कारण, जो डोरी है उसके गतिमान होने के कारण, यह डोरी आवेश को दूसरे चालक, कहाँ? C2 वाले ब्रश में पहुंचाती है। कौन? बेल्ट पहुंचाता है ना। ठीक, इसके बाद C2 से जो धन आवेश होते हैं वो गोले के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाते हैं। अतः यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, बार बार, और अंत में हमें यहाँ पे इस खोखले गोले पे उच्च विभव की प्राप्ति होती है। बस ये है कार्य विधि। इसको भी आप लाइन बना के नीचे लिख लेंगे, राइट? लिख लेंगे ना। अब जो इसका पार्ट बच गया थोड़ा सा थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल तो हो गया, थ्योरी का पार्ट जिसमें फार्मूला बेस्ड, तो उसको मैं समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल। जो आपको इसमें कॉन्सेप्ट में क्या याद रखना है वो सीख लीजिए। ठीक, तो कॉन्सेप्ट में आप याद ये रखेंगे कि मान लीजिए ये एक गोला है। ठीक, गोले का केंद्र यहाँ है, और यहाँ पे इस गोले में आपने प्लस क्यू आवेश दिया जो एक समान रूप से यहाँ पे वितरित हो गया, राइट? एक समान रूप से वितरित हो गया। अब यदि एक इस बाहर वाले हिस्से का आपको विभव बताना हो, मान लीजिए पी है, ठीक, और एक हिस्सा ये हो गया इसके सतह पे, इसको मान लीजिए हम कुछ और नाम दे देते हैं, इसको चलिए हम एस नाम दे देते हैं, सतह पे। ठीक, और एक बिंदु आप अंदर ले लीजिए, इसको भी कुछ नाम दे दीजिए। क्या नाम देंगे इसको आप? इसको भी कुछ नाम दे दीजिए, इसको पी, इसको आर, आर दे दीजिए। ठीक, और ये क्या है? इसका केंद्र है। यहां से यहां तक की दूरी, जो बाहर की दूरी है इसको आर डैश मान लीजिए, और अंदर की जो दूरी है इसको आर मान लीजिए। ठीक, तो यदि आपको विभव पूछा जाता है डियर स्टूडेंट, इस केस में, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि इस गोले के बाहरी वाले हिस्से पे कितना विभव है, तो आप कितना बताएंगे? 1/4 पाई इप्साइलन नॉट। ठीक, 1/4 पाई इप्साइलन नॉट। आवेश कितना दिए हैं पूरे में? क्यू का, तो क्यू, और दूरी कितनी है? आर डैश, तो यहाँ दिखाएंगे आर डैश। ये किसके लिए है डियर स्टूडेंट? ये बाहर में, गोले के बाहर में। ठीक, अगर हम बात करें वी एस की,
सतह पे, तो इसका कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, दूरी कितनी है, आर है, तो आर, तो ये किस पे हो जाएगा, सतह पर, ठीक, गोले के सतह पर विभव, ठीक। एक तीसरा केस क्या बन सकता है, इसके अंदर में, अगर हमने इसको आर बोला है तो वी आर, मतलब आर बिंदु पर हमें विभव बताना है, तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब दूरी कितना लेंगे, दूरी हम अंदर का लेंगे, तो अंदर की दूरी आर है, तो यहाँ पे भी हम लेंगे आर, तो ये किसके लिए हुआ, अंदर में, गोले के अंदर में विभव। ये तीन केस बनते हैं, इनको भी आप नोट कर लेंगे। सब में सिमिलर ही है, क्या है, क्यू अपॉन आर ही है। अगर हम सतह पे बात करते हैं तो क्यू अपॉन आर मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर विभव। अगर हम अंदर वाले किसी बिंदु की बात करेंगे तो उतना ही हमें विभव मिलता है, लेकिन हम जब बाहर की बात करते हैं तो ये विभव फिर बदल जाता है। बदल क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे दूरियां बढ़ जाती हैं, ठीक, दूरियां बढ़ जा रही हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो आर है डियर स्टूडेंट, ये कम है, किससे कम है, आर डैश से, ठीक। तो अगर ये आर कम है आर डैश से, तो ये चीज आप नोट करेंगे, जो कि कॉन्सेप्चुअल है, इसे आप नोट कर लेंगे कि अंदर वाले सतह में, अंदर वाले हिस्से में हमेशा विभव उच्च होगा, हमेशा विभव अंदर वाले हिस्से में क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसका आर क्या है, कम है, ठीक। और गोले के बाहरी सतह पर हमेशा विभव क्या होगा, अंदर वाले से कम होगा, और इस पर धन आवेश स्थानांतरित होते हैं, ठीक। इसको आप नोट करना है तो कर लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूं अब। नोट में आप लिख दीजिए इतना कि अंदर वाले गोले के हिस्से में विभव हमेशा उच्च होगा, और इसके बाहर वाले सतह पर और गोले के बाहर वाले सतह पर धन आवेश स्थानांतरित स्थानांतरित होता रहेगा। ये आप नोट कर लीजिएगा नीचे, कि जो गोले का अंदर वाला हिस्सा होगा वहां पे विभव हमेशा उच्च होगा, अधिक होगा, और जो गोले का बाहरी वाला सतह होगा, बाहरी हिस्सा होगा, वहां पे धन आवेश का स्थानांतरित होता रहेगा लगातार, ठीक। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।